जाएं आंगनों में यूं शहर हम बसाएं, आओ ऐसा एक नगर हम सजाएं आंगनों में यूं शहर हम बसाएं, आओ ऐसा एक नगर हम जहां तारीखियां शगुन मारे, जहां फूटे धनक हर रास्ते से, जहां उलझे न कोई सांस हमसे, जहां डूबे न जाएं आंगनों में यूं शहर हम बसाएं, आओ ऐसा एक नगर हम सजाएं आंगनों में यूं शहर हम बसाएं, आओ ऐसा एक नगर हम। المتكبر
سبحان الله عما يشركون
संवरे जाने का मौका दो, लिपट जाएगा इशरत भी दरे अतहर के जलवों से, लिपट जाएगा इशरत भी दरे अतहर के जलवों से, से भी आपके जलवों में घिर जाने का मौका दो, इसे भी आपके जलवों में घिर जाने का मौका दो, सुनहरी जालियों को अब नजर आने का मौका दो, फकीरों को शहे बतहा आने का मौका दो। 5 जनवरी 1988 से 2006 मिन्हाजुल कुरान विमेन लीग अपनी तकमील के 17 साल मुकम्मल कर चुकी है। पिछले 17 वर्षों में वक्त किसी सूदो जया की परवाह ना करते हुए अपनी मखसूस रफ्तार से उड़ता रहा। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से चेहरे बदले लेकिन मकसूद मुंतहा यकता रहा। विमेन लीग के इस काफ़िले में बहुत अजीम नहायत पुरअज कुछ कर गुजरने का जज्बा और हिम्मत रखने वाली खवातीन आईं और इस दौरे पुरफितन में तबका निस्वां के लिए उम्मीद ढारस बनकर आने वाली ये अजीम हस्तियाँ फ़िक्र मिशन मुस्तफ़ी की अलमबरदार अपनी जान और माल को राह खुदा में कुर्बान कर देने का हौसला रखने वाली कायदाना सलाहियतों की हामिल पैगाम कायद को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा देने का अज़्म रखने वाली मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ रूहें जब ये ख़वातीन मैदान कारज़ार में उतरी तो उनकी कुर्बानी और इस्तक़लाल ने बड़े बड़े शाहसवारों की गर्दनें तस्लीमें हम कर दीं। इन 17 सालों में इस काफ़िले में ख़वातीन जोक दर जोक शामिल होती रहीं और अपनी ज़िंदगियां इस मुस्तफ़ी मिशन के लिए वक्फ करती रहीं। आज अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क ख़वातीन का ठाठे मारता हुआ समंदर राह इनकलाब में कायद तहरीक के संग रवा दवा है। योम तासीस के इस पुरमसरत मौका पर ये शेर इनके जज्बात की यूं अकासी करता है। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अब मैं इस्तकबालिया कलिमात की अदायगी के लिए दावत देती हूँ नाज़मा विमेन लीग मुख्तरमा फरहनाज साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमानान ज़ीवकार को इस्तकबालिया कलिमात से नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस, मेहमानान गिरामी कदर, आज की ये पुरवकार तकरीब मिन्हाजुल कुरान विमेन लीग की तरफ से योम तासीस के सिलसिले में मुनक्किद की जा रही है और इस तारीखी मौका पर मैं अपनी सीनियर बहनों और इन मुअज्ज़ज़ करम फरमा ख़वातीन की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने 5 जनवरी 1988 में कायदे तहरीक के हुक्म पर मिन्हाजुल कुरान विमेन लीग की बुनियाद रखी। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज की इस तकरीब में उन सीनियर बहनों में से बहुत सी ख़वातीन जो विमेन लीग की फ़ाउंडर हैं
जो बुनियाद हैं आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं, जैसे मोहतरमा वीना बासरा साहिबा जो विमन लीग की इब्तदाई ज़िम्मेदार खातून मुंतखब हुई, आज इस प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाई हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ मोहतरमा राफ़िया अली साहिबा, मोहतरमा फरीदा सजाद साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर नुशाबा हमीद साहिबा, मोहतरमा आंटी ग़ुलाम ज़ाहरा साहिबा, निगत आरा और मोहतरमा फ़ातिमा मशदी, ये सब चेहरे वो हैं, ये वो सब शख्सियात हैं कि जिन्होंने विमन लीग को एक उठान दी और विमन लीग की बुनियाद, विमन लीग को बुनियाद फराहम की। मैं बतौर ख़ास बाजी जान मोहतरमा रिफत जबी कादरी सरपरस्त विमन लीग, उनकी तशरीफ़ आवरी पर मशकूर हूँ, जिन्होंने इस पूरे अरसे में अवाइल दौर में बिलखसूस और बाद अज़ा भी एक माँ की तरह विमन लीग पर अपनी शफकतें निछावर कें। और मैं समझती हूँ कि बिलखसूस वो ख़वातीन कि जिन्हें आज अगर उनके दौर का हम जायज़ा लें तो मोहतरमा राफ़िया अली साहिबा वो शख्सियत हैं कि जिन्हें यहाँ मरकज़ पर तकरीबन 12-13 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है मरकज़ में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हुए। और अगर फरीदा बाजी को देखें तो ये भी मरकज़ में तकरीबन 7-8 साल से मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर फ़ाइज़ रहीं। और इसके पीछे अगर कोई मुहर्रिक हम देखना चाहें कि वो क्या ऐसा मुहर्रिक है कि जो इन्हें इतने लंबे अरसे तक इन ज़िम्मेदारियों पर फ़ाइज़ रखे हुए और इनके जज्बों में हमें कोई कमी महसूस नहीं होती, तो वो मुहर्रिक अगर हम बहुत खुले अल्फाज में मैं कहूँ तो वो मोहतरमा रिफत जबी कादरी साहिबा हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता होगा कि जब कोई ख़ातून मैदान अमल में उतरती है तो फैमिली कॉम्प्लिकेशंस भी सामने होती हैं, घरेलू हालात एक आजमाइश बन के उसकी राह में खड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश होती है, इन सारी चीज़ों में ज़हनी टेंशन डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के साथ एक मॉरल सपोर्ट देना, एक हौसला अफजाई देना, ये चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और ये बाजी जान ने बहुत ज़्यादा जो मैंने महसूस की अपने तौर पर कि मरकज़ी सतह पर जो बहनें काम कर रही हैं, अगर कोई परेशानी है, टेंशन है, घर के मामलात में कोई उलझन है, तो उन्होंने बहुत बेहतर से बेहतरीन हल दिए, जिसकी वजह से आज घर भी कायम है, घर के हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से चल रहे हैं और साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी सरंजाम दी जा रही हैं। इसके अलावा आज एक और चेहरा आप देख रहे होंगे, मोहतरमा जमीला गफूर साहिबा जो गज़ालाबाजी की मदर हैं, मोहतरम हसन मोहियुद्दीन साहब की मदर इन लॉ हैं, इस वक्त ये यूके से तशरीफ़ लाई हैं, यूके की सरपरस्त विमन लीग हैं। और इनकी शख्सियत भी वो है कि जब कायदे मोहतरम यूके तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले ख़वातीन में जिसने यूके में विमन लीग की बुनियाद रखी, इनका शुमार उन ख़वातीन में होता है। और ये सबसे पहली ख़ातून है जो यूके में विमन लीग की मेंबर बनी और काम का आगाज़ किया। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं, हम इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा मैं कायदीन तहरीक की भी मशकूर हूँ जो इस मजलिस में तशरीफ़ लाए और अपनी शिरकत को मुमकिन बनाकर हमारी दावत को शर्फ़े कबूलियत से नवाजा। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस मुकद्दस मिशन की खिदमत यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा ख़जाना है, और इस नेमत के हसूल पर मैं कायदे इनकलाब मुस्तफ़वी हज़रत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मज़िल्लाहुल आली की नियाजमंद हूँ कि उनकी आला क़ियादत के ज़ेरे साया मुझ जैसे नाकारा लोग भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपने अपने दायरा कार और अपनी जो अल्लाह पाक ने सलाहियत अता की उसके मुताबिक अपनी हकीर पूंजियाँ लेकर हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारी इस अदना सी खिदमत को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए तकरीब, आज एक बड़ा तारीखी मौका है और आज के इस तारीखी मौका पर कोई मैं बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं चाहती,
सिर्फ एक दो सवाल आपके जहनों में छोड़ना चाहती हूँ और एक मामला जिसको मैं समझती हूँ कि आज ज़रूर एड्रेस किया जाए वो ये है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन का किरदार, ये लफ्ज़, ये जुमला हमने कई बार सुना और हम जानते भी हैं कि विमन, ख़वातीन का किरदार एक मतनाज़े बन चुका है और ये मामला एक ऐसी उलझन का शिकार हो गया है कि इसकी हकीकत से नज़रें ओझल हो गई हैं। दो तरह के तबके हमें अपने मुआशरे में नज़र आते हैं, एक तबका वो जो ख़वातीन को बग़ैर किसी हद के, हदूद व क़यूद के बग़ैर उन्हें बहुत बड़ी सतह पर, बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहता है और उनका किरदार अदा करने का कायल है, और दूसरा तबका जो ख़वातीन को घर की चार दीवारी में बंद करके और घर की ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देने का कायल है, बच्चे पालें, घर संभालें, खाना बनाएं, वक्त पर जब घर जाएं तो घर हर चीज़ मेंटेन हो। ये दो तरह के तबके हैं और इन इस उलझन में हमारा ख़वातीन के किरदार की हकीकी अफादियत हमारी नज़रों से ओझल हो गई, जबकि हमारा मौक़िफ़ इसमें क्या है और हम क्या समझते हैं वो ये है कि अहयाए इस्लाम के लिए और इत्तेहादे उम्मत के लिए आलमगीर सतह पर कोई काविश भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक ख़वातीन का अमली इश्तराक और मौसर तावन शामिल ना हो। ये वो नज़रिया है, ये वो बुनियाद है जिसको मद्देनज़र रखते हुए कायदे तहरीक ने मिनहाजुल कुरान विमल लीग की बुनियाद रखी और एक बड़े पैमाने पर ख़वातीन अपनी अपना किरदार अदा कर रही हैं और मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। इसके बाद अगर आज हम ये देखें कि बहुत सारे आपको इसमें जवाब आप सुनते होंगे, आपके पास खुद भी होंगे कि हम अपनी ज़िंदगी की तरजीहात मुकरर करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझते हैं और उस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि अगर ख़वातीन हम अगर मैं ख़ातून हूँ तो मैं ये कहूँगी, जो आम हमें एक नज़रिया मिलता है, एक बात सुनने को मिलती है वो ये कि घर में बहुत बोझ है, घर में बहुत काम होते हैं, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर के काम नहीं कर सकती। और अगर मर्द की बात सुने तो वो भी यही चाहता है कि मेरी ख़ातून को घर में ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी चाहिए और यही उसका किरदार है। अक्सर ये मौक़िफ़ हम बड़े दलाइल के साथ सुनते हैं, जबकि मैं ये समझती हूँ कि ये अगर इसमें वज़न हो और ये बात सही हो, हकीकत हो, तो आज हम सबको घर में होना चाहिए था, आज हम सब अपने घर में बैठ के अपने घर के कामकाज कर रही होती। और अगर हम घर में होती तो फिर तारीख का वो बाब जिसमें हमें सहाबियात का किरदार नज़र आता है, जिसमें हमें हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैदान जंग में जाती नज़र आती हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मैदान जंग में जाती नज़र आती हैं, और सबसे बड़ी कुर्बानी सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कि जब उन्हें दावत इस्लाम की कबूलियत पर उनके जालिम आका ने उनके दोनों बाजू दो ऊँटों के साथ बांधे और उनको मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया, वो ख़ातून थी जो दावत इस्लाम के बाद जिन्होंने ये कुर्बानियाँ बर्दाश्त की, तो फिर वो सवाल हमारे जहन में क्या नहीं उठते, क्या हमें उनका जवाब नहीं देना? क्या आज अगर हम इसी चीज़ के हम भी कायल हो जाएं, हम भी खामोश होकर बैठ जाएं, तो ये तारीख के ये अबवाब हमें क्या पुकार पुकार कर नहीं कहते कि आज भी मुआशरे में ख़वातीन की उसी किरदार की ज़रूरत है? आज भी दीन इस्लाम को अगर फतह देखना चाहते हैं तो उसी तरह से हमें अपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ अपनी मुआशरती लेवल पर भी, हमें कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर भी हमें ज़िम्मेदारी सर अंजाम देनी है। याद रखें, मैं बहुत मुख्तसर सा पैगाम देना चाहती हूँ कि आज हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के वो टुकड़े भी हमें पुकार रहे होंगे और वो हमें पुकार पुकार कर कह रहे होंगे कि इस दीन की गैरत के लिए मैदान अमल में उतर आएं और दीन की सरबुलंदी और फतह के लिए हक़ अदा करें, खिदमत दीन की ज़िम्मेदारी कबूल करें, दिल से कबूल करें, इसलिए कि ज़िंदगी में ये जो ताकत और तवानाई हमें अल्लाह तबारक व ताला ने दी है कि अभी हमारे अंदर ताकत है, हम कर सकते हैं, तो ये वक्त बहुत कम है।
आज आंटी गुलाम जहरा हमारे सामने बैठी हैं, इनसे पूछ कर देखें। ये अक्सर हमारे पास आती हैं और हमें आकर बताती हैं कि मैं बड़े अरसे से खिदमत दीन के इस सफ़र में मैं शामिल हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अब दिल की तकलीफ़ है, अब मैं वैसे काम नहीं कर सकती जैसे मुझे काम करने का शौक़ है। अब भी मेरी दवाई वो नहीं है जो डॉक्टर्स देते हैं, मेरा ट्रीटमेंट वो नहीं है जो डॉक्टर्स करते हैं। मुझे अगर मरकज़ से कोई एक टेलीफोन आ जाए और एक कायदे मोहतरम का एक पैगाम आ जाए कि मरकज़ में प्रोग्राम है और आपकी हाज़िरी है, तो मेरी वही दवा है, मेरा वही इलाज है, और मुझे अपनी बीमारी का भी एहसास नहीं रहता और मैं बिस्तर से उठ के फ़ौरन मरकज़ भागी चली आती हूँ। इसी तरह आंटी नुशाबा हमारे सामने बैठी हैं, आप इनसे अलहदा पूछ कर देखें, इनके भी हालात ऐसे ही हैं। और जो शौक और जज्बे जो अंदर इनको घर में नहीं चैन लेने देते, और ये अपनी बीमारी के बावजूद सफ़र करना भी इन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा हुआ है डॉक्टर नुशाबा को, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से रिक्शा करवाया और यहाँ पर आ गई, और इन्हें ये भी एहसास नहीं होता समटाइम्स कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ से आ रही हूँ। ये हालात इस वक्त उम्र, और ये हम उम्र का ये हिस्सा हम सब पर आना है, हम सब इस ये वक्त हमारा इंतज़ार कर रहा है केवल इसके कि हम मौत के घर में दाखिल हो जाएं। उससे पहले जो ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी लगाई, जो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से हमारे लिए जो आवाज़ आती है, जो पुकार आती है, हमें उस पर लबैक कहना होगा। आज अगर हम बहुत बड़ी सतह पर काम नहीं कर सकती तो हम अपने एक घर में अपने एक यूनिट के लेवल पर तो काम कर सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, आपके सामने मोहतरमा फातिमा मशहदी साहबा बैठी हैं, ये घर में घर की पूरी ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इस एक साल की आपको मिसाल देती हूँ कि इस विमल लीग का ये साल सन 2005, इस साल में रिकॉर्ड मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप हुई है, और सबसे बढ़कर लाइफ मेंबरशिप मोहतरमा फातिमा मशहदी साहबा के ज़रिए हुई। तो ये मिसालें हमारे सामने बड़ा हमें बड़ा पैगाम देती हैं और हमें बड़ी मोटिवेशन और हम तहरुक का बायस बनती हैं। अगर आज हम, मैं ये बात कर रही थी कि अगर हम बड़ी सतह पर आकर काम नहीं कर सकते तो हम कम से कम अपने घर में अपने ख़ानदान को तो मिसाली ख़ानदान बना सकते हैं ना। आज हम देखें तो हमने अपने कायदे तहरीक को अफराद, चंद एक अफराद दिए हुए हैं। मैं एक फ़र्द हूँ, आप एक फ़र्द हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं कि हम ये कहें कि ये ख़ानदान तहरीकी ख़ानदान है। आज अगर हम ये अज़्म लेकर यहाँ से उठें कि मैं एक फ़र्द हूँ तो मैंने एक ख़ानदान को तहरीकी बनाना है, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर जो लोग इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे सारे ख़ानदान तहरीकी बन जाएं और वो एक ख़ानदान एक मुआशरे एक मोहल्ले में हो, एक इलाके में हो, तो वो उस ख़ानदान की असर से और उस ख़ानदान के अमल से क्या उसके मुआशरे पर और उसके मोहल्ले गली पर असर नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। हमें आज ख़ानदान तहरीकी बनाने हैं, अपने अपनी ज़ात से, अपनी शख्सियत से, फ़र्द से निकलकर ख़ानदान तहरीक के स्पुर्द करने हैं। और अगर 1000 ख़ानदान हमारे मुआशरे में तहरीक से वाबस्ता हो जाते हैं और बाकायदा कंट्रीब्यूशन करने वाले हों, अक्सर हम ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ खिताबात सुनने के लिए अगर हमारी फैमिलीज आ जाती हैं, हमारी अम्मी जान, अपने घर वाले, तो उस पर भी हम तसल्ली में रहते हैं कि ख़ानदान तहरीकी है। और समटाइम्स सिर्फ मेम्बरशिप फॉर्म फिल करने से भी हम मुतमईन रहते हैं कि घर वाले तहरीकी हैं, ख़ानदान तहरीकी है। नहीं, ये गलत बात है। वो तहरीक से मुंसलिक ज़रूर होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन करने वाले नहीं होते। इस वक्त हमें कंट्रीब्यूशन करने वाले ख़ानदानों की ज़रूरत है। और अगर आप ये तहैया और ये इरादा लेकर यहाँ से उठते हैं तो यही साल हमारा विमल लीग का एक तारीखी साल साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे और इस उम्मीद और इस तवक्को पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। हमारी वो बहन, हमारी वो माँ जिनको हम फ़ख्र कह सकते हैं, जिनको हम अपने लिए एक बहुत बड़ा अजीम सरमाया कह सकते हैं, वो हैं मुख्तरमा जमीला गफूर साहिबा, जो यूके में मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की सरपरस्त हैं। और जब हुजूर कायदे इनकलाब वहाँ पहली मरतबा वहाँ तशरीफ़ लेकर गए तो जो पहली खातून विमेन लीग की मेंबर बनी वो मुहतरमा जमीला गफूर साहिबा हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपने ज़रिए ख्यालात से हमें नवाजें। मुहतरमा जमीला गफूर साहिबा,
अज़ीज़म दुख्तरानी इस्लाम और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको इस 17वें यौम तासीस पर तहरीक मिन्हाजुल कुरान की तरफ से उम्म लीग को और बेटियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे ये इनके जज्बात और इनके ये ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई है और हौसला भी हुआ है। मैं यहाँ के ज़्यादा हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ और ना मुझे ज़्यादा पता है कि कैसे ये यहाँ से तहरीक उठी, कैसे चली ये बहनों में, बेटियों में, किस किस ने ज़्यादा अच्छा काम किया, ना ज़्यादा आना जाना हुआ। ज़्यादातर मैं लंदन में, यूके में जो तहरीक का काम हुआ है उसके मतलब ही मैं कुछ ख्यालात का मैं इजहार कर सकूंगी कि वो कैसे चला। अब हम 6-7-8-10 वर्ष से वहाँ रह रहे थे, किसे मसीहा की तलाश थी, किसे ऐसे इनकलाबी शख्सियत की तलाश थी हर एक को कि वो कोई मिले और हमें कोई सरातुल मुस्ताकीम का रास्ता दिखाए। तो हमें इस उस वक्त फिर हमें वेम्बले कॉन्फ्रेंस, शायद आप जानते हैं 1988 में, जो 1989 में हुई, उस वक्त कायदे मोहतरम का तारफ हुआ यूके में वहाँ। तो हमें सबसे पहले हमें छोटी छोटी केस्ट किसी ने दी, जो आइडियो केस्ट होती हैं कायदे मोहतरम की। मैं आपको ये वाक्य सुनाती हूँ कि हम कैसे इस तहरीक में शामिल हुए और इस फिर तहरीक का असर क्या हुआ। जब हमने वो इनका कायदे मोहतरम का वो ख़ताब सुना, पहला ख़ताब, तो दिल में ख़्याल आया कि ये कोई ना तो जानी पहचानी शख्सियत है, ना पता है इसके मतलब कौन है, किसी ने दिया हमें, और ये आम शख्सियत का ख़ताब नहीं है, ना किसी आम इंसान का लगता है। जब तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुबहाना तआला ने हमारे लिए और हमारे रास्तों का इंतखाब करने के लिए दुनिया में भेजा है। पहले कभी ऐसा नहीं खिताब सुना जो दिल पर असर करता हुआ इंसान की ज़िंदगी के धारे बदल दे। सुनते रहे एक ही खिताब, पता नहीं 25 मरतबा या 50 मरतबा सुना, सुनते रहे, फिर पता चला कि ये तो पता करने पर ये किसका खिताब है, कि ये तो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी का किताब है, वो लाहौर में रहते हैं और उनकी उन्होंने एक तहरीक, उनकी तहरीक है मिन्हाजुल कुरान, और यहाँ भी उसके कुछ मेंबर हैं। पहले भी एक आप दौरा उस वक्त कर चुके थे उधर। फिर हमने वहाँ से केस्टें मंगाई, फिर वहाँ से वीडियो वगैरह मंगाई, वो देखी। अब हम मिले भी नहीं थे, हम जिस यहाँ से मिलती थी वहाँ से 500 पाउंड की जाके वीडियो और किताबें खरीद कर ले आए। अभी तक कायदे मोहतरम को देखा नहीं था, मिले भी नहीं थे और काम शुरू कर दिया कि ये ऐसा काम है, ये ऐसा पैगाम है, ये ऐसा मैसेज है कि माओं तक पहुंचना चाहिए, बहनों तक पहुंचना चाहिए। जो माँ ही की गोद पहली यूनिवर्सिटी है बच्चे की, माँ ही की गोद पहला मदरसा है। अब औरतों तक पहुंचाने का एक ही तरीका था, कायदे मोहतरम के खताबात घर 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 पहुंचाए जाएं, जो बहनों को घर में बुलाकर उनको फिर वीडियो एक सुनाई जाए, रोज़ाना वीडियो सुनाई जाए। बस ये सिलसिला शुरू कर दिया मैंने, ये पहले, सबसे पहले। और फिर कायदे मोहतरम जब वेम्बले कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जब फिर दौरे पर गए, तो हमने फिर एयरपोर्ट से लेकर हफ्ता बारह इनके साथ ही रहे, मैं और मेरा शौहर। किसी को कोई पता नहीं था ये कौन लोग हैं, यहाँ आप जाते वहाँ हम चले जाते।
और जहाँ आप ठहरते हम भी वहाँ ठहर जाते, किसी को कोई तारफ नहीं ये कौन है। और मैं घर में होती, जिस घर में जाते तो वहाँ तहरीक की बातें करती, कायद मोहतरम के पैगाम सुनाती कि आप लोग खाना पका के क्यों घरों में बैठ जाती हैं। कायद मोहतरम खताबात के लिए चले गए, आदमी चले गए उनके, और वो घरों में बैठ जाती बस खाना खिला के। बहुत दुख होता है कि औरतों का कोई इंतज़ाम ही नहीं है कि कायद मोहतरम को सुन सके। ये जज्बे फिर मैं पैदा करती गई हर एक के दिल में कि आपने नहीं कुछ सीखना। जब तक औरत नहीं उठेगी, जब तक बेटी को दीन की खबर नहीं होगी और औलाद की तरबियत की खबर नहीं होगी, सीरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खबर नहीं होगी, हज़रत खदीजतुल कुबरा की खबर नहीं होगी कैसे दीन को फैलाया गया। औरत का तो बहुत बड़ा हाथ है, जब तक औरत नहीं उठती इस तहरीक को कामयाबी नहीं हो सकती। ये घर 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 वीडियो सबसे ज़्यादा मौसर तरीका ये है कि कायदे मोहतरम के खताबात जो है ना हम घरों में नहीं सुनते, यानी एक खताब रोज़ाना घरों में सुना जाए। ये अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना ले कि कायदे मोहतरम को रोज़ाना एक खताब बच्चों को भी सुनाना है और आप खुद बैठ के सुनना है। यहाँ तक मैंने कोशिश करनी कि अगर नमाज का भी वक्त हो गया तो कई दफ़ा मेरी नमाज लेट हो जानी कि अगर मैं उठ के गई खिताब में से, खिताब लगाया हुआ है, औरतें बैठी हुई हैं तो इनकी तवज्जो बट जाएगी। पास बैठना और मुश्किल अल्फाज की तर्जमानी करना कि जे फरमा रहे हैं जे फरमा रहे हैं, ऐसे करते 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 फिर मेंबर बनाने लगे, तंजीमें बनाने लगे। कायदे मोहतरम को तो हम बहुत बाद में मिले जाके, 2 साल बाद कि जब तंजीम भी बन चुकी थी और कितने मेंबर बन चुके थे बाद में मिले। मेरा मतलब बात करने का ये है कि सबसे पहले अपने घर में इनकलाब लाएं, अपने दिल में इनकलाब लाएं, अपना तज़किया नफ्स करें। जो कुछ कायदे मोहतरम फरमाते हैं ना उस पर अमल करने के लिए अपने आप का इंतखाब पहले करें। क्या जो मैं दूसरों को देखना चाहती हूँ खुद मुझ में वो खूबियाँ हैं? और ये जो ख्वाहिशें हैं हमारी, हम मियाँ बीवी हैं दोनों बैठ के अगर तहरीकी हैं तो डिस्कस करें घर में कि क्या आज क्या काम हुआ, तहरीक का कितना काम हुआ, हमने अल्लाह के दीन का कितना काम किया है, घर के कितने काम किए हैं, क्या हम कुछ फ़ायदा भी हुआ है। फिर बैठ के कई तरीके सोचें किस तरीके से इस तहरीक को आगे आगे लाया जाए, ये कितनी बच्चों को हौसला दिया जाए, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बैठा के हौसला दिया जाए कि कितने खुशकिस्मत इंसान हैं हम कि हम इस तहरीक में पैदा हुए, हमने इस ऐसी शख्सियत को देखा। और मैं खुद अपने बच्चों को बताया करती थी कि जब मैं सैयदना गौसल आज़म के लेक्चर पढ़ती, उनके खिताबात पढ़ती, तो मैं सोचती थी कि कितने खुश नसीब लोग होंगे जो आपके इर्द गिर्द बैठ के सुनते होंगे। तो अब ऐसे ही शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहरुल कादरी हैं, हम बहुत खुश नसीब लोग हैं, हमारे बच्चे बड़े खुश नसीब हैं कि वो बैठ के आपके खिताबात सुनते हैं और आपकी ज़ियारत करते हैं। जब इंसान जिंदा होता है तो ऐसा ही लगता है कि ये हमेशा ही रहेगा और हमेशा ही हम इसके पास बैठते रहे। नहीं नहीं, और कदरें भी नहीं उस वक्त होती दिल में। जब दुनिया से चला जाता है तो बाद में फिर उसकी याद आती है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब बस सिर्फ मेरा यही पैगाम है, फिर घर 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 कहाँ से साउथहैम्पटन से लेकर हम यूके में रचडेल तक, स्कॉटलैंड तक यह तहरीक फैल गई। अब आप जाकर देखें कि इससे बड़े बड़े हाल औरतों के भरे हुए होते, 500-500 औरत, हज़ार हज़ार औरत जो इस तहरीक के पैगाम को सुनती है, मेंबरशिप लेती है और अपने सदकात अल्लाह के रास्ते में कभी खर्च करने का यहाँ मौका आ जाए, वेलफेयर सोसाइटियाँ जो हैं वहाँ वो भेजती है, हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ से पाउंड आते हैं, पैसा आता है। ये सारा ही कायदे मोहतरम की जो खताबात थे, मैसेज था, और आपकी जो, मैं समझती हूँ कि जो कुछ आप कहते थे वो करते थे, इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, इतनी इज्जत करते हैं लोग, यहाँ तक के लोग कायदे मोहतरम जब यहाँ से जाते हैं तो वो रहने के लिए, आपके रहने के लिए
वो कुरा अंदाजी करते हैं कि किस घर में ठहरें। सच तो वो कुरा जिसके नाम निकलता है उस घर में ठहरते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, लंदन में जब जाते हैं तो क्योंकि बेटी हमारे पास होती है तो कायदे मोहतरम हम हमारे गरीब खाना पे तशरीफ़ रखते हैं, मगर उन लोगों को कईयों को जी हसरत होती है कि हमारे घर में ठहरे। ऐसा जे इंसान इस यहाँ पाकिस्तान में जो पैदा हुआ तो आप लोगों की खुशकिस्मती है। ये किबला का काम नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम है। कायदे मोहतरम तो सिर्फ एक वसीला है रास्ता दिखाने के लिए। अब अलामा इकबाल ने फरमाया था कि अगर एक गुमवार जाहिल गांव की रहने वाली एक बेटी अगर एक बच्चा पैदा करके एक बेटी जा पैदा करके अगर वो मुआशरे को दे देती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गुलाम बनाकर, उसकी सारी मेहनत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अब मुआशरा कैसे बनता है? मुआशरा फर्द से बनता है। हर वक्त हम रोना रोते हैं कि बस सोसाइटियाँ ख़राब हो गई, मुआशरे ख़राब हो गए, बच्चे को बाहर ना निकालो। अब वक्त नहीं है बच्चे को बाहर निकालने का। अरे मुआशरा कौन बनाता है? सोसाइटी कौन बनाती है? सोसाइटी मुआशरा माँ बनाती है। मुआशरा फर्द से बनता है। अगर माँ अच्छा बच्चा अच्छे बच्चे की तरबियत करके नौजवान एक बच्चा मुआशरे को दे दे अच्छा, तो हो सारी माएँ अगर ऐसा करें तो कितना अच्छा मुआशरा बन जाए, कितनी अच्छी सोसाइटी बन जाए। ये सारा माँ फिर माँ को ये तरबियत कैसे हासिल हो? जब तक माँ इस तहरीकी प्लेटफार्म पर नहीं आएगी और नहीं सुनेगी कायदे मोहतरम के खिताबात, नहीं सुनेगी बैठ के कि मेरा फ़र्ज क्या है, अब माँ अपने फ़र्ज को नहीं पहचानेगी, बच्चों की इस लिहाज से तरबियत नहीं करेगी, तो कैसे मुआशरा सुधरेगा? मुआशरा कौन बनाता है? माँ बनाती है। माँ की गोद पहला मदरसा है, माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है। माँ अपने फ़र्ज को पहचाने। माँ कैसे अपने फ़र्ज को पहचानेगी? जब तक ये तहरीक सच्ची तहरीक है, ये तहरीक सच्ची तहरीक है, ऐसी सच्ची तहरीक है। मैंने ख्वाबों में देखा कि ये फिर ही मैं आई थी इस तहरीक को ज्वाइन किया था कि ये तहरीक ताहिरुल कादरी की तहरीक जो है ना, मुस्तफ़ी तहरीक सच्ची तहरीक है। यानी जो सच्ची तहरीक के साथ वाबस्ता हो जाए कितना खुशकिस्मत इंसान है। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ यही तो नई ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। यही नहीं सिर्फ किचन में खाना खा लिया पका लिया, ठीक है औरत का ये काम है, मगर इससे और भी कोई मकसद है ज़िंदगी का। ये नहीं है कि औरतों से बिगाना रहे सिर्फ घर में बैठे, नहीं, औरत भी साथ शाना बशाना अपने मर्द के घर का काम काज करके औरत भी दोनों बैठ के डिस्कस करें कि हम लोगों ने इस तहरीक के लिए क्या करना है। कर सब कुछ करके भी ये सोचें कि हमने कुछ नहीं किया। मेरे दिल में सोच आती है कई दफ़ा, मैं रोने लगती हूँ कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मैं कर नहीं सकी। जब ये एहसास पैदा हो जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इस तहरीक के लिए, जो कायदे मोहतरम ने जितना किया है ठीक है, उन्होंने कितने 80 ममालक में ये मिशन फैल गया, देखते देखते सब ने साथ दिया, दस्ते बाजू बने और मिशन फैला, मगर ये सारी काविशें कायदे मोहतरम की मेहनत थी। अगर हम पाँचवा हिस्सा भी कायदे मोहतरम की मेहनत की तरह हम भी दें वक्त, पाँचवा हिस्सा करें, ये तहरीक जो है ना दिलों में उतर जाए। अपने बच्चों के दिलों में कैसे उतारनी, घर में ये कैसे फैलानी, जिस इसका ज़रिया माँ का बैठ के डिस्कस करना है। एक घंटा दिन में बैठ के ना बच्चों के साथ इस तहरीक के मतलब डिस्कस करें कि बेटे देखो ये एक रास्ता हमको मिला है, हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। सिर्फ खाना पीना कपड़े पहन लेना सोना चांदी पहन लेना मकसद नहीं है, नहीं, हमारी ज़िंदगी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो बातें सुनाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हरा में दो दो तीन तीन महीने चले जाया करते थे तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सारे घर का काम करती और बच्चों को संभालती और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना लेकर जाती गारे हरा में। वो कितना तीन मील ऊपर चढ़ के खाना पेश करती। कायदे मोहतरम का खिताब मैंने सुना कि एक दिन हज़रत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह खदीजा आ रही हैं। खदीजा को अल्लाह सुभानहू तआला ने सलाम फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब को जाके फरमा दे कि है महबूब, खदीजा आपका खाना लेके आ रही हैं और खदीजा को अल्लाह का सलाम पहुँचा देना और खदीजा को कहना कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत में ऐसा महल बनाया है जिसमें ना शोर होगा और ना थकन होगी। अब कायदे मोहतरम फरमाते हैं कि दो चीज़ों का जिक्र क्यों किया, थकन और शोर। क्या जन्नत में और आसाइशें नहीं हैं? कितनी जन्नत में आसाइशें हैं, क्योंकि हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थक जाती थी और मक्का के लोगों का शोर व गोगा सुनती थी जो आपके खिलाफ था। इसलिए दो चीज़ों का जिक्र किया कि खदीजा, मैंने तेरे लिए अल्लाह सुभाना ताला ने फरमाया वो महल तैयार किया है कि जिसमें ना शोर होगा ना थकन होगी। अब देखो यहाँ, अब जो बीवी है आज वो ऐसा कर सकती है कि दो महीने शोहर जाके बैठ जाए? कितनी बातें करेगी कि घर के बच्चे संभालूं, घर का काम करूं और फिर खाना लेके जाऊं। आप अंदाज़ा करें, सबसे पहली इनकलाबी खातून हज़रत खदीजातुल कुबरा थी जिन्होंने ये इनकलाब लाके दिखाया साथ। कितनी सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की मगर ज़बान पे कोई शिकवा ना आया। तीन साल तक कैद किए रखा दुश्मनों ने। वो शहज़ादी थी, ताजरा थी, इतनी वो नाजों से पली हुई वो शहज़ादी, कितनी तकलीफ़ें उठाईं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में। आखिरकार जब तीन साल का मुआहदा टूटा तो आप रहलत फरमा गए, बर्दाश्त ना कर सकें। बच्चों की कैसी परवरिश की, फातिमा तहज़ारा खातून ने जन्नत की कैसी परवरिश की, बेटियों की कैसे परवरिश की, और उन्होंने आगे जाके वो ही अपनी माँ की बातों को याद रखा और वो हुस्नैन करीम देखो फिर वो कैसे बुलंद हुए, क्या क्या काम उन्होंने किए। हज़रत फातिमा तहज़ारा खातून जन्नत खैर नुसा फातिमा औरतों के लिए कामिल नमूना है। अब हमारे लिए देखो ना, वो चक्की पीसती, घर का काम काज करती और हर वक्त तलावत कुरान ज़बान पे रहती, वज़ू के बगैर बच्चों को कभी दूध ना पिलाती और आपकी ज़िंदगी शेवाए रज़ा तस्लीम और रज़ा की ज़िंदगी थी और आप सारा दिन घर का काम काज करके और जब रात को मसल्ले पे खड़ी होती तो मसल्ला आंसुओं से तर हो जाता और इतना लंबा सजदा करती और फरमाती, अर्ज़ करती, या अल्लाह जब सुबह हो जाती कि तूने रात कितनी छोटी बनाई है कि जी भर के एक सजदा भी ना कर सकें। अब ऐसी अब हम गर्म पानी हैं, सारी आसाइशें मौजूद हैं मगर बावजूद नहीं रहते, नमाज में कोताही करते हैं, अपने अंदर अपना तज़किया नफ्स नहीं करते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, जाह तलबी की ख्वाहिश है, इज्जत तलबी की ख्वाहिश है। अब ये सारी ख्वाहिशें जब अंदर मौजूद हैं तो तहरीक का काम उस इसीलिए ठंडा फिर पड़ जाता है। अपने आप को कारकुन जो है ना, अब अगर कोई किसी को अल्लाह ताला ने अमीर बना दिया और उसके साथ बच्चे बच्चियां काम कर रही हैं, अपने आप को उनके बराबर समझे और उनसे भी नीचा समझे, इसलिए समझे कि इसने मुझसे ज़्यादा काम किया है, मैंने इसे थोड़ा काम किया है, इसने तो चादरें भी बिछाई हैं और मैं कुर्सी पे आके बैठ गई हूँ, ये मुझसे बेहतर है। क़यामत के दिन कहीं इसको तो जन्नत में ना अल्लाह ताला इसको जन्नत अता फरमा दे और मुझे किसी ऐसी मुझे जाह तलबी जैसे मैं कुर्सी पे बैठी हूँ। अब मैंने तो कोई काम नहीं किया है, इसने तो देख लो प्रैक्टिकल कितना काम किया है, जे अंदर से पता नहीं इसका दिल मुझसे कितना साफ़ है, अल्लाह की बारगाह में ये कितनी मकबूल है, कहीं इनके सामने मुझे घसीट कर कहीं दोज़ख में ना डाल दिया जाए। अगर ये ख्यालात पैदा हो जाए तो इंसान हर वक्त तवाज़ो और इंकसारी का पैकर बना रहता है। इस जाह तलब कौम की नियत में खलल है, इस जाह तलब कौम की नियत में खलल है, ये सूरत हालात मकाफात अमल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुख्तरम मखदूम तनवीर अहमद कुरैशी साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बाजी जान साहिबा, मिनहाजुल कुरान वेमेन लीग की कायदीन और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मिनहाजुल कुरान वेमेन लीग के 17वें योम तासीस के मौका पर तमाम मोजिज हाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 17वां योम तासीस जहाँ हमारे लिए मुबारकबाद का लम्हा है, वहाँ हमारे लिए एक सवालिया निशान भी छोड़ रहा है। यकीनन मिनहाजुल कुरान की बहनें बेटियां लायक सद मुबारकबाद हैं उस सब काम पर जो गुज़श्ता 17 सालों में सरंजाम पाया, लेकिन हमें यह भी देखना है कि वो बहुत सारा काम जो अभी तक तिशना तलब है वो कब मुकम्मल होगा। आज जब हम मिनहाजुल कुरान वेमेन लीग का योम तासीस मना रहे हैं तो मैं मुतवज्जे करना चाहूँगा कि मिनहाजुल कुरान वेमेन लीग का क़याम दरअसल तहरीक मिनहाजुल कुरान का मरहून मिन्नत है और तहरीक मिनहाजुल कुरान का पूरा आलमी नेटवर्क दरअसल कायदे तहरीक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का मरहून मिन्नत है और कायदे मोहतरम का ये सारा काम जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर मुहित है। हम कायदे मोहतरम को देखें तो कायदे मोहतरम की शख्सियत उस मंशूर की तरह है जिस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सामने दीवार पर वो रोशनी कई रंगों में बिखर जाती है। अल्लाह तबारक वाता